का मैं चौकी से देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं छोटे से गांव से हूँ वीडियो बनाने वाले, लेकिन जान पहचान वाले काफ़ी मिल जाते हैं छोटी छोटी मेहनत करके और आगे बढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट करना आप सब। तो इनके तो लग रहा आप लोगों को घर में बहुत गंदा क्योंकि मेरा गांव से नहीं हुआ तो तुम क्या सॉल्टी ला रखे है। बाकी मैं पहुंच गई हूँ घर और तिलवाड़ा से यहाँ तक मुझे मेरे यहाँ पे मैंने दीदी के पास सूट दे रखे है। हेलो दीदी, हाय, प्रणाम करो। हेलो, नाम क्या है? अलोक अक्षत है। अलोक अक्षत अक्षत तेरा नाम? नितिका। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा राणा और मेरे गांव का नाम है चोपड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 7 बजे से, और सुबह जल्दी उठने का रीजन मेरा ये है कि आज है मेरी वापसी ससुराल जाने की, और जुकाम बहुत तेज हो रहा है मुझे। और जब से मैं आई हूँ यहाँ पे जुकाम एक भी दिन रुका नहीं है। गर्म पानी पीती जा रही हूँ लेकिन जुकाम सही नहीं हो रहा है। और यहाँ से गाड़ियाँ सुबह 7:30 को चली जाती हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ से तिलवाड़ा बहुत दूर पड़ता है, तो इसीलिए। और आज मतलब जो हमारे गढ़वाली कल्चर में जो रीति रिवाज के हिसाब से आज लड़कियाँ वैसे मायके आती हैं, और मेरी है वापसी। तो वापसी इसलिए है क्योंकि वहाँ थोड़ा कुछ पूजा है, तो उसके में जल्दी जाना है। मैंने मुझे भी शामिल होने को बोला है। तो आज सुबह उठ गई हूँ मैं। उठ तो मैं 5 बजे गई थी, जब जाना होता तो तब ऐसे ही होता है, पहले तो नींद आती है और फिर जल्दी भी उठना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी। बाकी माँ बना रही है अंदर नाश्ता, यानी कि रोटी, एक रोटी मैंने खा ली है। तो यहाँ से गाड़ियाँ बहुत जल्दी चली जाती हैं सुबह 7 बजे को, तो बेकार लगता है, कौन जाए नहीं सुबह। और वहाँ से 1-1.5 बजे को आती हैं, तो वैसे मुझे ये अच्छा लगता था कि जब यहाँ से 1-1.5 बजे जाना हो और वहाँ से सुबह आना हो। तो मेरा उल्टा हो गया। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की शुरुआत अपने मायके के खूबसूरत वादियों से करते हैं और चलते हैं वापसी। आज मैं सुबह का मौसम यहीं नीचे आंगन से बता रही हूँ, छत पे नहीं गई मैं, और अभी धूप भी नहीं लगी हुई है और मौसम के भी कुछ इस तरीके के हाल हैं। तो चलो तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता भी सुबह को। हेलो हेलो। और बना दिया है मैंने रोटी वैसे, और बहुत धुआं भी हो रहा है यहाँ पे। बाकी शुभम हो गए हैं स्कूल के लिए तैयार। हेलो हेलो शुभम। और यहाँ पर दादाजी भी लगे हुए हैं अपने काम पे। चल अब मिजाज कौन से मास्टर बनूं, ये बाग कटो हम जिद्दा करी थे। आप क्या करूं तुम जा कटो हो मोदी खोड़ क्या होता है पर बात यार। तो मिजाज के तो मिजाज
तो पहुंच चुके हैं हम तिलवाड़ा मार्केट में और यहाँ से थोड़ा बेकरी से सामान लेना है सबसे पहले। हेलो हेलो गाइस हेलो गाइस यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं उसके बाद। अरे बड़ा ओके। तो यहाँ से भी थोड़ा पकोड़े वगैरह और चिप्स वगैरह ले लेते हैं क्योंकि सारे बच्चे आजकल घर आ रखे हैं। यहाँ पे मिले हैं मुझे मेरे सब्सक्राइबर। हेलो जी। हेलो। और ये कहाँ से देखते हैं मेरे ब्लॉग? मैं चौकी से देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं छोटे से गांव से हूँ वीडियो बनाने वाली, लेकिन जान पहचान वाले काफ़ी मिल जाते हैं छोटी छोटी मेहनत करके और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो सपोर्ट करना आप से। हाँ। तो इनके चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ। और आगे डेली ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू। और मेरे भी यूट्यूब चैनल है आपको। यहाँ पर मैंने दीदी के पास सूट दे रखी है। हेलो दीदी। हाय। प्रणाम करो। हेलो हेलो करो। हेलो दोस्तों। नहीं मूड नहीं है अभी। बाकी मैं पहुंच गई हूँ घर और तिलवाड़ा से यहाँ तक मुझे मेरे देवर जी लेके आए, तो नहीं हुआ फिर वीडियो बनाने के लिए। और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम पे इस गर्मी में। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब भी टाइम मिलेगा, तो बने रहें वीडियो में और आनंद लें, कमेंट भी करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दें। ठीक है, 10 बजे का टाइम हो गया है, अभी तक पूजा हो रही थी। अब करते हैं थोड़ा थोड़ा मैगी में नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम पे। हेलो, घर आ गए? कब आए? कब आए? कब आए? परसों आए। नाम क्या है? अलोक अक्षत। है अलोक अक्षत। अक्षत तेरा नाम? रितिका पवार। रितिका पवार। छुट्टी पड़ रखी? हाँ। कितने दिन के? 5 दिन के। चलो बाय बाय। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये है मेरी जेठानी और वो है देवरानी जी। तो ये लोग आजकल घर आए हुए हैं बिना छुट्टी के। आजकल स्कूल की छुट्टी भी नहीं है, लेकिन क्या करें, यहाँ देवता पूजने हो रहे हैं दोस्तों। मैं भी इन्हीं की वजह से यहाँ पे आई हूँ। वैसे मैंने जो व्रत होता है उसके बाद आना था। तो अभी हमने सब ने घास की सल्टी निकाल दी है। और कैसा लग रहा आप लोगों को घर में? बहुत गंदा क्योंकि
मेरा गांव से नहीं हुआ। तो तुम क्या सॉल्टी ला रखी है? बाकी मैं तो आपको मालूम है कि मैं जिम्मेदार किसान हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। और ये ये मसाले, ये भी बहुत जिम्मेदार है वैसे, लेकिन ये मैं तो ज्यादा ही हूँ। देवरानी जेठानी कबाड़ी है, ये दोनों के दोनों बहुत कबाड़ी है। मेरा शोल्डर भी जहाँ बड़ा है। अच्छा बड़ा है ना, तो थूम क्या ले जा रखा है। बाकी आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, अब चलते हैं। इन्होंने कीट नहीं रखा है, हमने फुटू से कीट रखा है। अच्छा ऊपर इन्होंने तेल वालों का पेड़ काट के रखा है का पत्ते। तो ऐसे हैं दोस्तों हमारे हाल चाल, मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में। ठीक है, टाटा टाटा।